हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर। हमने एक वीडियो पर रिएक्ट किया था, रघु भाई पठान उनके इंटरव्यू पर रिएक्ट किया था। तो आई थिंक इंडिया में सबसे पहले मैंने ही रिएक्ट किया था। आप डेट जाकर चेक कर सकते हैं, वीडियो क्लिक करिए, डेट देखिए नीचे, मैंने किया था, उसके बाद सब ने किया। लेकिन ये वीडियो जो मैं आज कर रहा हूँ उसको शायद लेट हो गया मैं करने में, बाकी लोगों से बाद में कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कर रहा हूँ। और आप में से कुछ लोगों की डिमांड भी आ रही थी कि सब ने दिया है तो आपको आपका रिएक्शन भी चाहिए, इसलिए हम हाज़िर हैं इस वीडियो को देखने के लिए। इसमें देखेंगे हम जो पठानों की वेडिंग होती है, शादियां होती हैं, और उसके अंदर जो फायरिंग वगैरह होती है, क्या कल्चर रहता है, गन कल्चर है पठानों का, तो उनके हर किसी के साथ रहती है, सेफ्टी के लिए भी और वैसे भी हमने देखा है। इस बारे में देखेंगे कि शादियों में किस तरीके की फायरिंग एंड क्या रहता है, वो देखना इंटरेस्टिंग, मतलब अंदर से एक चाहत जगाता है कि हाँ देखो यार इस चीज़ को, चलो देखते हैं एंजॉय करेंगे या नहीं करेंगे वो तो देखकर पता चलेगा। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। ये फायरिंग कर रहा है ना, बैठे आवाज, शादी का माहौल है ये। अरे 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 भाई संभाल के, बच्चे उसके वो शेल्स जो होते हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं। क्या है ये, क्या है, अरे अरे भाई नीचे भी कर रहे हैं, नीचे सामने कोई आ गया तो। ये बच्चों में बोल क्या रहे हैं आप बताते जाना, आपको बताओ। लोग कानों पे भी हाथ रख रहे हैं भाई, आय हाय, कोई कहीं से भी फायरिंग कर रहा है, कहीं भी, जहां खड़े हैं वहीं से सामने की तरफ। और भाई यार ऐसा कभी नहीं देखा मैंने, इतनी फायरिंग। बच्चों को कितने मजे आ रहे हैं, वो उसके जो शेल्स हैं वो गोलियों से कलेक्ट कर रहे हैं। क्या हुआ, भाग कर गए वहाँ पर। ओ भाई वहाँ पर पूरा इलाका गोलियों की गूंज से गूंज गया हुआ। ये चला कर रहे हैं यार इतनी नीचे, और उधर ही लोग हैं सामने। मुझे ऐसा लग रहा है किसी की लग ना जा रहा, क्योंकि वो नीचे उसका जो पॉइंट है वो नीचे करके भी कर रहे हैं। कितने लोगों, अरे कितने लोगों पे है यार गन, खतरनाक खतरनाक माहौल है ये। नेचुरल है, मतलब नॉर्मल है ना वहाँ पर। ऐसे लग भी जाती होगी ना, अक्सर होता होगा कुछ ऐसे जोश जोश में होता होगा ना हादसा, हो भी सकता है। बच्चे छोटे छोटी बच्ची अभी शुरू से डर खत्म। ये शादी का माहौल देखिए आप,
कंपटीशन चल रहा है भाई, पूरी लड़ियाँ। अरे वो सामने बंदा, शादी का पंडाल ही फाड़ देंगे ऊपर। अरे भाई कान बंद करके बैठे हैं वो। बस ऐसा लग रहा है जंग चल रही है, जंग। लोग टहल भी रहे हैं ना, उनको वार में डर लगता है, कोई कहीं से भी चला देता है। बस कर दो, नॉन स्टॉप फायरिंग। अरे एक हाथ से सब अपनी अपनी लोड किए जा रहे हैं और छोड़े जा रहे हैं। ये खाना वाना लगा हुआ है और फायरिंग चालू है। कोल्ड ड्रिंक चल रही है और फायरिंग चालू है। खाने का माहौल है, खाने का टाइम है ना, इस टाइम खाने का चल रहा है। देखो बैठे हुए हैं, छोटी पिस्टल भी है। डिंग डिंग डिंग। अरे बोल दिए कर दूं फायरिंग। लड़कियां भी भाई सच में करती हैं क्या लड़कियां वहां पे ऐसे शादी वादी में फायरिंग? ओ माय गॉड, बहुत ही खतरनाक वाला सीन था। लेकिन हाँ, बाद में मज़ा आने लगा था। इतनी तगड़ी फायरिंग हो रही थी, मतलब कुछ आप समझ ही नहीं सकते। हर किसी के पास गन है, लोग अपना सर बचा रहे हैं, अपने कान ऐसे कर कर बंद कर रहे हैं। मतलब डर नहीं है वो, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत लगता है कि कहीं से गोली लग गई। तो मुझे तो कई बार ऐसा लगा, वो गन मारते 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 नीचे लेकर आ रहे थे, उसकी गन की जो आगे का पॉइंट है उसको नीचे कर दे रहे थे, और सामने लोग टहल भी रहे थे, कैमरे में दिख रहा था, लेकिन वो पता नहीं कहाँ फायरिंग कर रहे थे। गाड़ियों पर नहीं लग रही थी, कहीं लग नहीं रही थी, लेकिन हवाई फायरिंग हो रही थी। फिर भी मुझे तो डर लग रहा था किसी के लग ना जाए। और ऐसा मैंने पूछा भी था कि होता भी होगा, कई बारी ऐसे हादसे हो जाते होंगे कि किसी के लग गई धोखे से, लग जाती होगी है ना, क्योंकि हादसे हो सकते हैं ऐसी अंदरून फायरिंग, इतनी ज़्यादा फायरिंग में तो हो जाते होंगे ऐसे हादसे। एंड बच्चे बहुत ज़्यादा मज़े ले रहे थे वहाँ पे, बच्चे छोटे छोटे जो उसके शेल्स होते हैं निकल कर गिरते हैं। और दूसरी वीडियो में तो हमने वो देखा कि पूरी की पूरी लड़ी जो है कारतूसों की वो लगा दी और चलती जा रही है, डग 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 डग, ख़त्म ही नहीं हो रही भाई। इतना ख़तरनाक कल्चर शादियों का,
मतलब एक जगह तो खाना पूरा तैयार है, खाने का माहौल बना हुआ है, खाना खाने की तैयारी है, या फिर कुछ लोग खा भी रहते हैं, मुझे लगा कि कुछ लोग खा रहे हैं वहाँ बैठकर, वहाँ पर भी फायरिंग, कोल्ड ड्रिंक चल रही है और फायरिंग हो रही है यार, खतरनाक मंजर, खतरनाक। अब ये कल्चर है वहाँ पर, आदत हो जाती होगी छोटे बच्चों की भी, वो उनके सामने फायरिंग हो रही है तो वो बड़े बड़े होते होते उनको लगता है अरे कुछ नहीं है यार, ये तो गन है, ये तो चलती रहती है हमारे यहाँ पर, ऐसा करके कुछ फील आ जाता होगा। लेकिन फिर भी यार, जिनके लिए नया है उनके लिए तो नया है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती, कभी दो पहले हुआ करती थी, आजकल तो शायद वो भी नहीं होती, लेकिन हाँ जो विदाई विदाई के टाइम पे जो होता है वो दो तीन फायर हो गए, चार पांच फायर हो गए, या आठ दस हो गए, बीस हो गए, लेकिन इतनी ज़्यादा भाई अनगिनत जिसकी कोई गिनती नहीं है, इतनी ज़्यादा फायरिंग कभी ऐसे तो नहीं होती, मैंने यहाँ पर तो नहीं देखी इंडिया में, लेकिन जो भी था बहुत ही ख़तरनाक था, बहुत ही, लेकिन बाद में मज़ा आने लगा। लेकिन हाँ मैं यही बोलता हूँ कि इंस्पिरेशन ना लेना, वो कल्चर है वहाँ का पठानों का, तो वो कल्चर में आता है और ऐसा चलता है वहाँ पर, ऐसा होता है, जो भी है बहुत ही ख़तरनाक था, बहुत ही मज़ेदार भी था। बाकी मैंने, और हाँ लास्ट में जो वीडियो देखा था लड़की का, उसके बारे में ज़रूर बताना कि लड़कियाँ भी वहाँ पर ऐसा कुछ करती हैं, किस तरीके से करती हैं, मतलब होता है क्या ऐसा कि लड़कियां भी फायरिंग वायरिंग करती हैं, वो पूछ रही थी अगर करूँ नहीं करूँ, तो उन्होंने उधर से इशारा मिला होगा और उसने दाग दी भाई आसमान में, गोलियां दाग दी। तो कमेंट सेक्शन में बाकी बताइएगा, और यहाँ इसमें जो लैंग्वेजेस हैं वो भी आप बता सकते हैं, जो क्या क्या बोल रहे थे और कैसा कैसा आपके यहाँ पर कैसा कल्चर रहता है, वो सब कुछ आप लिखकर बताइएगा। पठान हैं तो ज़रूर लिखकर जाइएगा, पठान नहीं भी हैं आप तो भी बताइएगा, क्योंकि वहाँ का क्या माहौल रहता है शादियों का, बहुत ही खतरनाक माहौल था भाई। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करते जाना, सब्सक्राइब करते जाना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।